आप खुद भी। कहती थी कि यहां से तुम जॉब ढूंढो, मिल जाएगी, ना मिले तो कोई बात, मैं हूं ना, मैं ढूंढ लूंगी जॉब। मैं कहता था कि निदा अगर जॉब ना मिली तो। कहती कि हमारा कौन सा कोई खर्चा हो, रुखी सुखी खा के गुजारा कर लेंगे। लेकिन क्योंकि तू मेरे पास तो हो गए ना, तेरे साथ हो गए, मेरे लिए बस यही काफी है। अब कहती है कि तुमसे मुश्किल सिचुएशन हैंडल नहीं होती, जान भी इसलिए दे रहे थे कि वो स्केप था, तुम स्केप ढूंढते हो। यार मैं उसके लिए अपनी जान दे रहा था, ऐसे लोग कैसे बदल जाते हैं। क्या हुआ गुरुजी, आप परेशान नजर आ रहे हैं। दिल बहुत परेशान है, डर सा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। गुरुजी कुछ ऐसा नहीं हो सकता, हम सब यहां से भाग जाएं। कहां भाग जाएं, इन लोगों के हाथ बड़े लंबे हैं, पुलिस चोर चक्के डके सब इनके अपने हैं। ये तो अभी तक हम इसलिए जिंदा है कि इनको मेरी ये शक्ल की जरूरत है, वरना कब का मैं मार दिया होता इन्होंने। नामो निशान ना मिलता। अरे नहीं, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, नाचो। मैं कह रहा हूं नाचो। एडे बड़े पैसे, घटो घट मुझे 2 लाख रुपया तो लग रहा है। अरे वाह मेरा बब्बर शेर पुत्र, आजा ठंड पा दे सीने में। मार सबके जाए दरा भरा है मेरा पुत्र। चपली की जिद में आकर बड़े कारोबारी ने अपनी दुकान पर चपली के हामियों का दाखिला बंद कर दिया, मगर ये बात छोटे कारोबारी को मंजूर नहीं थी। लेकिन बड़ा कारोबारी अपनी जिद पर अड़ा रहा और नतीजतन दोनों भाइयों ने कारोबार अलग कर लिया। फैजान बिल्ले से मिल चुका था, जिसकी वजह से छोटे कारोबारी के हालात यकदम बदल गए। इसने जीवन नगर में रमजान कारोबारी से बड़ा अपना अलग स्टोर खोल लिया।
ये तुम्हें पुलिस ने दिया है? नहीं, पहले मैंने पुलिस को दिया था, फिर उन्होंने मुझे दिया। ये तो गलत है। देख, तू अपने मोटे दिमाग पे ना इतना जोर ना डाल, जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूं ना वैसा वैसा करता जा। आजा। ये ज्यादती है बिल्ले। मुझे एक बात बता, तुम्हें वापस अपने बच्चों के पास जाना है या इधर ही मर मर आ जाना है? जान, जाना है, हैं? हैं? चल फिर आजा, शाबाश, चल शाबाश, आजा। बैठे हैं। सबसे पहले तो आप मलिक साहब का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने बड़ी मेहनत से तफ्तीश पूरी की है। शुक्रिया। तमाम सबूत इस फाइल में मौजूद हैं और ऐसे हवा में तीर नहीं चलाए, एक एक मुजरिम के फिंगरप्रिंट इसमें है, ये देख लें। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि बाहर खड़ी है पुलिस की गड्डी, हम ये तफ्तीश की फाइल मलिक साहब को दें, फिर ये जाने मुदई जाने ये अपने तरीके से जैसे तफ्तीश करें। और दूसरा तरीका कि फैसला हम शाहजी से करवाएं, जैसे हर मसले का फैसला कराते हैं। अब होगा तो वही ना, जैसे आप सब लोग मशवरा देंगे, तो क्या कहते हैं फिर आप? शाहजी का फैसला, हम सबका वही फैसला। बिल्कुल शाही। देख लें, आजकल पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। नहीं नहीं शाकिर, जो आप फैसला करेंगे उसके आगे तो कोई अहमियत नहीं ना किसी की। चलें जी, ठीक है, जैसे आप लोग कहें। ओके जी, मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, थैंक यू। अब ऐसा है कि पुलिस की तफ्तीश तमाम सबूत और मगेरों के बयानात के मुताबिक 5 मुजरिम हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 खालिद अली नेका उर्फ थैला वल्द नियाज हुसैन नेका। नंबर 2 रबनवाज नेका वल्द गुलाम सरवर नेका। नंबर 3 इकबाल हुसैन नेका वल्द फकीर हुसैन नेका। सारे नेके? सारे, ये हम पे इल्जाम। नंबर 4 दिलावर खान ने का वल्द वरियाम खान ने का। और नंबर 5 यासिर हयात ने का वल्द रोशन हयात उर्फ चपली ने का। ये शाही, मैं तो पहले ही कहता था ना, ये काम नेकों के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं शाहजी, नहीं, ये झूठ कह रहा है शाहजी। शाहजी, मेरे बेटे को तो हमसानियों ने बहुत मारा था, वो तो अपने पांव पे चल भी नहीं सकता जी। ये झूठ बोल रहा है जी, मैं कसम खाता हूँ, मेरा बेटा चोर नहीं है। ओ यार, चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता कर रहा है शाहजी। शाहजी बिल्कुल गलत है, ये इसकी बातों का एतबार ना कीजिए। शाहजी, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूँ, कुरान को बीच में ना लाओ। ऐसे कैसे हम बेकसूर पे इल्जाम लगा सकते हो तुम लोग? अरे कौन से बेकसूर, और सारे सबूत तुम लोगों के खिलाफ हैं हमारे पास। अच्छा एक और बात, मुजरिम 5 हैं पर सारे नेके इस वारदात में मुलव्वस हैं, क्योंकि सबूतों से पता चलता है कि एक रात पहले वारदात से तमाम नेकों ने मिलकर प्लान बनाया था वारदात का। ये झूठ है और ये गलत है। सच यही है, कैसी बात कर रहे हो तुम? ये सच है, सच यही है बस। शाहजी चुप करो, तुम पहले ही कहता था ये नेके चोर हैं। नहीं नहीं गलत बात है ये। अब आप सब लोग जानते हैं कि जीवन नगर में चोरी की क्या सजा है।
एक तो ये कि चोरी का माल या फिर उसके बराबर की कीमत अदा की जाएगी, और दूसरा ये कि जिसने चोरी की है वो अपने पूरे खानदान समेत जीवन नगर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये जुल्म है, ये 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 इंसाफ की बात है, ये बात नहीं है। और निकलो यहां से, ये बात है ना, अब आखिरी फैसला जो है वो शाहजी सुनाएंगे। जी शाहजी। मैं दो दिन का वक्त देता हूं नेकों को, दो दिन ही था ना। जी शाहजी। मगेरों को उनका लूटा हुआ खजाना दो दिन के अंदर अंदर वापस कर दें, वरना फिर मेरी तरफ से मगेरों को इजाजत है, वो फिर जिस मर्जी तरीके से अपना लूटा हुआ खजाना वापस ले सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये यही है। ओ ताई, द्वार नूं क्यों होया? ओ बेगैरता, वापस कर कब? जाके अपनी माँ को कह तो जाए बना के दे। ओ क्या हो गया ताई, कारोबार ही अलग हुआ है ना, हैं? फट्टे मुंह तेरा, कर दी ना जूठी। मैं तो देखी भी धोखे रखा ही हूँ, अब एक कप चाय की खातिर ना मुझे दोबारा सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ओ दिल दुख रहा है ना ताई, सच्ची बात, शायद जूठी हो जाए ना बड़ा गुस्सा आता है। बकवास ना कर, चुप करके डप ले अभी से। ओए चाय ली है ताई, एक है, कोई चोरी थोड़ी की है। ओ सर, चोरी से याद आया, सुना यासर ने मगेरों का खजाना चोरी कर लिया। पौगा सा लगता है वैसे, हैं बड़ी यस गेम डाली है उसने। बब्बर शाह निकालने लगा जीवन नगर से उन्हें, जेल वेल भी हो सकती है, फांसी और उम्र कैद भी हो सकती है ताई। सुन रही है? हाँ हाँ सुन रही हूँ। ऐसे जब से अलग हुए हैं ना ताई, चाय स्वादी हो गई है तेरी, है क्या बात। जी मलिक साहब। हाँ, आपके लिए इनाम भिजवा रहा हूँ अपने लड़के के हाथ। और की खिदमत हो तो हुक्म करें बिल्ला भाई। हाँ जी हाँ जी, जब होगी तो आपको ही कहेंगे हैं, अब ये इनाम तो एंजॉय करें। ओके, खुदा हाफिज़। ध्यान से कोई देख ना ले हैं। हम यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे, जीवन नगर भी नहीं छोड़ेंगे। मगेरे अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़ लेते हैं। अगर किसी तरह हमसानी हमारे साथ मिल जाए ना, तो मगेरे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बात ये सही कर रहा है, जो देखते हैं। बिल्ले के कहने पर लाली ने जो फैसला सुनाया वो तबाही का मुकम्मल बंदोबस्त था। एक तरफ नेके थे जो ना तो खजाने के बराबर पैसे दे सकते थे और ना ही जीवन नगर छोड़कर कहीं और जा सकते थे, और दूसरी तरफ थे मंगेरे, जिन्हें खुली छुट्टी मिल गई थी कि अब वो जिस तरह चाहें नेकों से अपना लूटा हुआ खजाना निकलवा सकते हैं। हालात बिगड़ चुके थे और दोनों बरादरियाँ एक दूसरे से लड़ाई के लिए तैयार थीं। इन हालात में हमसानी भी न्यूट्रल नहीं रह सकते थे, अंदर ही अंदर इनकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी किसी तरह से ख़जाने में हिस्सेदार बन जाएं। कुछ हमसानियों को ख़जाने में से हिस्से का लालच देकर मंगेरों ने अपने साथ मिला लिया, जबकि कुछ हमसानी हमदर्दी और ज़ाती अना की वजह से नेकों के साथ मिल गए। यूँ पूरा जीवन नगर ज़ात, कौम और बिरादरी की बुनियाद पर दो धड़ों में बट गया।
ऐसे में बिल्ला एक तरफ तो मंगेरों को अपनी सपोर्ट की पूरी यकीन दहानी करवाता है और इन्हें मजीद भड़काता है कि वो नेको पर हमला करें, और दूसरी तरफ जलती पर तेल छिड़कते हुए नेको को हमले की खबर देकर इनके नौजवान लड़कों के हाथ में असला दे देता है। सबसे पहली लड़ाई नेको की गली में हुई और उसी में मंगेरों पर पहली गोली चली। मंगेरे गुस्से में बिल्ले के पास आए तो बिल्ले ने अगेन उनके लड़कों के हाथ में भी असला थमा दिया। यूं खुल्लम खुल्ला असला जीवन नगर में आने से एक जंग का माहौल तैयार हो गया। हर तरफ लड़ाई और मार धाड़ शुरू हो गई। एक दिन में दोनों तरफ से 4 बंदे मारे गए। देखते ही देखते जीवन नगर का नक्शा बदल गया। बब्बर शाह ने जिन लोगों को इतने सालों से इकट्ठा रखा हुआ था, बिल्ले और लाली गुरु ने एक महीने में इनके बीच आग लगा दी। ए बिल्ले, बिल्ले आ मुझसे क्या करवा रहा है? आए मासूम लोगों को मरवा दिया, वे तेरा कख ना रवे, वे तेरा खाना खराब, वे तेरा बेड़ा गरक। आए उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा था, उनके बच्चे रोते फिर रहे हैं। बिल्ले ये देख तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते बंद कर दे ये फसाद, रोक दे ये जुल्म। हाय मुझे भी उन बेचारों की बात दुआएं लग रही होंगी। ओ चवलिया ना मार लाले, आग लगी हुई है आग, अब कुछ नहीं हो सकता। बता, औतरे से उठा जाता नहीं और डॉन बना हुआ है। बात सुन, मैंने तेरे से वादा किया था कि तुझे और तेरे चेलों को यहां से निकाल दूंगा। नहीं, मैं अपने वादे में पक्का हूं। ये टाइम जज्बाती होने का नहीं है, अकल से काम ले। इतना जल्दी काम खत्म करेगा उतना जल्दी चला जाएगा। काम खत्म कर और फिर जाके अपने फंक्शन पकड़। हैं? हो गया। थैंक यू। वो ना मैंने आपसे कुछ बात करनी है। आपको नहीं लगता कि जीवन नगर में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? आई मीन आपकी बरादरी वाले आपकी बात सुनते हैं ना, तो मुझे लगा कि आपको चाहिए कि आप उन्हें रोकें। अपना हक मांगना कोई गलत बात नहीं है, और जरूरत पड़ने पर अपना हक छीनना भी कोई गलत बात नहीं है। पर ऐसे तो आप कानून हाथ में ले रहे हैं। यहां का कानून बब्बर शाह है, और बब्बर शाह ने ही हमें ये इजाजत दी है कि हमें क्या करना है। तो बब्बर शाह भी तो गलत हो सकता है। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, ऐसे ना जी सब खत्म हो जाएगा, सबका नुकसान हो। देखो बीबी, हमें क्या करना है और क्या नहीं ये हमें अच्छी तरह पता है। हमें औरतों के मशवरे की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारा मसला है तो जाओ जाकर बब्बर शाह से बात कर।
ये क्या हो रहा है शाहजी? जीवन नगर में आग लगी हुई है। एक जात का बंदा दूसरे जात वाले की गली से गुजर नहीं सकता। आप मुझे हुक्म करें, मैं दो दिन में सबको सीधा कर दूंगा। ये ठीक नहीं हो रहा शाहजी, ठीक नहीं हो रहा। बिल्ला देख रहा है, वो जो कहता है वो करो। बिल्ले एक बात तो बताओ, मैं तो बाहर से आई हूं, मैं तो इनमें से नहीं हूं, मगर मुझे भी इनकी ये तकलीफ देख के बड़ा दुख होता है, मेरा दिल फट जाता है। तुम तो इन्हीं में से हो, तुम्हें इनको देख के तकलीफ नहीं होती? कैसे कर लेती हो ये सब? नहीं लाली, और मैं अभी तेरे जैसा ही हूं, और मुझे भी मेरे अपनों ने कभी कबूल ही नहीं किया। मेरी मां ने सिर्फ मुझे पैदा किया, और बाप वो तो हाथ झाड़ के साइड पे ही हो गया। मुझे पता है, ये सारे मेरे पीठ पीछे कहते हैं कि वो बिल्ले के बाप को तो पता ही नहीं, पता नहीं किसकी औलाद है। तू कहता है ना, इन सब के साथ बुरा क्यों कर रहा हूं? ये है इसी काबिल, होना यही चाहिए इनके साथ। बब्बर शाह सिर्फ हुक्म देता था इनको बचाने के लिए, जान हमेशा मैंने खतरे में डाली है इनके लिए, पर ये ऐसे एहसान फरामोश है। कभी इन्होंने मुझे वो वाली इज्जत नहीं दी जो शाह को देते थे। यही होना चाहिए इनके साथ, बल्कि इससे भी बदतर होना चाहिए। और वो मैं करूंगा, करूंगा मैं। मेरा तो दिल चाहता है इनकी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोई है जो आप सबको आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? वही जो सब में असला बांट रहा है। असला? घर जाके पूछो ना अपने शोहरों से, भाइयों से, बेटों से कि आखिर असला कहां से रहा है। बल्कि उससे भी पूछो जिसने तुम लोगों को आज तक इकट्ठा करके रखा, कभी लड़ने नहीं दिया। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम सबके दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत आ गई? आखिर तुम लोग इतनी नस्लों से यहां रह रहे हो एक दूसरे के साथ, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम सब एक दूसरे की जान लेने के दर पे हो गए? सोचने वाली बात है ना। यही तो बात समझ में नहीं आ रही।
बिल्ला भाई, बिल्ला भाई, बिल्ला भाई, सलीमगंज में पुलिस ने माल पकड़ लिया, आपकी बात नहीं हुई थी वहां? ऐसे कैसे पकड़ लिया? माल नहीं छोड़ रहे? अच्छा तू पता कर, मैं जाता हूँ। नहीं तू जा, मैं पता करता हूँ। ठीक है बिल्ला भाई। पुलिस ने बात नहीं की थी? शाह जी, वो मुख्तार माल नहीं भेज रहा, कह रहे कि उसने पार्टी बदल ली है। बिल्ले को बताओ। ठीक है शाह जी। बिल्ला भाई, उन्होंने 300 कार्टन के पैसे दिए। हाँ लेकिन उनको तो 800 कार्टन नहीं भेजे थे जी? तो फिर बाकी क्या ज़कात में काट लिया उसने? उन्होंने साफ जवाब दे दिए, इतने पैसे हैं, लेने तो लो वरना इससे भी जाओगे। इसकी तो मैं ऐसी की तैसी करता हूँ, जा तू। मुख्तार, हेलो मुख्तार, अब मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए 800 कार्टन के, आई समझ? जिस तरह तू धंधा कर रहा है ना बिल्ले, अगली दफा इतने भी नहीं मिलेंगे, पहले धंधा सीख। और अब तू मुझे सिखाएगा? ओ बकवास बंद कर। अच्छा मेरी बब्बर शाह से बात करवा। बब्बर शाह बोल रहा हूँ, ले बोल रहा हूँ बब्बर शाह, बात कर। और कर बात। अब बोलता क्यों नहीं? बब्बर शाह बात कर रहा हूँ। फोन कर। जो लोग सालों से बब्बर शाह के साथ धंधा कर रहे थे, इनके लिए बिल्ला नाकाबिले कबूल था। एक तो बिल्ले को धंधे की कुछ खास समझ नहीं थी, और दूसरा हर वक्त बिल्ला नशे में धुत रहता था, तो जाहिर है कारोबार में तबाही होना था। धंधा बचाने के लिए बिल्ले के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके। चल फिर मेरे साथ, शाजी से सारी बात मैंने कर ली है, वो राजी हो गए हैं तुझे वापस रखने के लिए। चल के वही काम संभाल जो तू संभालता था, और रही बात जो तेरे मेरे बीच मसला था, मैं उसको भूल गया, तू भी भूल जा। कपड़े अच्छे पहने हैं तूने। ये शाजी ने दिए, कह रहे थे तू भी यही पहना कर, अच्छा लगेगा। ये वो पीछे जंगल है तो रात में अक्सर मुर्दाखोर जानवर घुस आते हैं। अच्छा फिर क्या सोचा है? शाजी को क्या जवाब दूंगा? बिल्ले तू चाय पी कर जाना। जीवन नगर के अंदर फूट डालने के बाद अब वक्त आ चुका था बाहर से हमला करने का। जीवन नगर के लोग खुद एक दूसरे को मार काट रहे थे, और उधर राजीव प्लस्तर ने चढ़ाई कर दी। हम्म
डॉक्टर साहब, म्यूजिक कौन सा पसंद है आपको? क्लासिक, रॉक, जैज, गजल, ठुमरी, या आपको हिप हॉप पसंद है? ओह सॉरी, माय मिस्टेक। बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। दोबारा पूछ रहा हूं, म्यूजिक कौन सा पसंद है आपको? ये क्या है बाबू भाई, मुझे मुझे क्यों लाए हो यहां? मैंने मैंने क्या किया है? मैं आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, कि आप शौक से कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? मुझे मुझे क्यों लाए हो यहां? तो सुनिए, रूल ये है, एक सवाल आप पूछेंगे और एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने पूछा कि आपको यहां क्यों लाए हैं, इसका जवाब है आपको म्यूजिक सुनाना था। आप एक सर्जन डॉक्टर के साथ इस तरह? आखिरी बार पूछ रहा हूं आपसे, म्यूजिक कौन सा पसंद है? अगर आप नहीं बताएंगे तो ये टेप आपके मुंह पर बंधा रहेगा, ना जाने कितने दिन आपको यहीं बैठे रहना पड़े। अब नहीं सुनता, जवानी में सुनता था, वेस्टर्न म्यूजिक, रॉक। इंप्रेसिव, गुड चॉइस। तो डॉक्टर साहब, एंजॉय द म्यूजिक डॉग साहब। ठीक लोगों को सीधा करने का अजमूदा और मेरा फेवरेट तरीका, साउंड टॉर्चर। ना तो जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान और ना ही मुंह बंद रहने का कोई मकान। कह रहा था, पहले दिन से कह रहा था, इस डॉक्टर को मरवा देते। नहीं नहीं, अभी नहीं से मरवाना, अभी इसकी जरूरत है। कर ले आप जरूरतें पूरी अपनी। तुम्हें क्या लगता है, सारी दुनिया में सिर्फ तुम ही अकलमंद हो, बाकी सारे बेवकूफ हैं, है ना? यार बंदे लगा दिए उसके पीछे, ढूंढ रहे हैं उसे यार, मिल जाएगा वो। मिल जाएगा, दो थप्पड़ लगेंगे ना उसे, सब कुछ बक देगा वो। नहीं बकेगा। अच्छा शकर, अगर बॉस को पता चल गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बस ये दुआ करना कि ये इंफॉर्मेशन लीक ना हो। शाजी, शाजी, बबर शाजी कहाँ है? कहाँ है शाजी? मुझे मिलना उनसे। ओ, ओ, चाचा क्या हुआ है, रो क्यों रहा है तू? वो प्लस सर, उसने फिर मेरी जगह पे कब्जा कर दिया और ये मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया और उसके बदल मेरा सामान सारा सड़क पे फेंक दिया है। लेस्टर खुद साथ है। बैठे। ओए, ओए परवेज, ओए सीधे। लेस्टर आया है, गाड़ी निकालो फौरन।
तू गाड़ियों में असला पर, जल्दी कर जा। चाचा तूने फिक्र नहीं करनी, इसे नहीं मैं छोड़ूंगा आज। ओए परवेज, चाचा को पानी पिलाओ। हमने फॉरन कार कर देना है, हमें नहीं भरनी। बिल्ले आ रहा है। बिल्ले हाँ शाहजी, वो प्लास्टर ने फिर कब्जा कर लिया हनीफ की जगह पे, खुद भी साथ है, अपने बंदे तैयार हैं, मैं फैक्ट्री से भी बुला रहा हूँ सबको, बस 5 मिनट लगेंगे, आप चलेंगे ना साथ? बल्कि आप रहने दें, हम खुद देख लेंगे। क्यों बिल्ले? हाँ बिल्कुल देख लेंगे हम। बग्गे बैठ जाओ, सिट डाउन। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।